और आईएनटीआईए से जेएमएम प्रत्याशी मथुरा महतो ने अपना नामांकन किया है। उनके साथ जेएमएम के नेता रैली की शक्ल में बोकारो से समाहरणालय पहुंचे। नामांकन के बाद जेएमएम प्रत्याशी मथुरा महतो के समर्थन में बोकारो के सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में सीएम चंपाई सोरेन चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इस सभा में मंत्री बेबी देवी, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित अन्य मौजूद भी रहने वाले हैं। नामांकन से पहले इंडिया अलायंस की रैली भी हुई और आपको बताएं उनके नामांकन के दौरान कई दिग्गज मौजूद रहे। एक जनसभा भी होनी है जिसमें सीएम चंपाई सोरेन गठबंधन के नेता शामिल होंगे। गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा प्रसाद महतो ने नामांकन किया। और चलिए आपको सीधे ये चलते बोकारो जहां से हमारे सभा स्थल से संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। अजय, देखिए अब मथुरा प्रसाद महतो ने भी नामांकन दाखिल कर लिया, कई दिग्गज इस दौरान मौजूद रहे और रैली रही, नामांकन रहा और अब एक जनसभा जिसमें कई दिग्गज, जिसमें सीएम चंपाई सोरेन भी शिरकत करने वाले हैं। आपके साथ कुछ समर्थक नजर आ रहे हैं, उनसे फटाफट बात करिए और जनसभा से जुड़ी कुछ अपडेट है आपके पास हमारे दर्शकों तक साझा करिए। बिल्कुल बिल्कुल सुष्मिता, सबसे पहले मैं बोकारो के पुस्तकालय मैदान की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बेहद ही मथुरा प्रसाद महतो कद्दावर नेता माने जाते हैं पूरे गिरिडीह के। जाहिर सी बात है उनके नामांकन के बाद बड़ी संख्या में यहां पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और जब यहां पर रैली होगी तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपार जन समर्थन भी उमरेगा। तमाम लोग राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भी यहां पर आएंगे और उसके बाद रैली विधिवत तरीके से शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ बात पूरी रैली की तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से रैली की तस्वीर यहां पर मैं देख पा रहा हूं। और इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता पूर्व विधायक यशवंत प्रसाद महतो जी है। अपार जन समर्थन उमड़ा था नामांकन में, मथुरा जी का क्या कहेंगे, क्या सीन देख पा रहे हैं? देखिए आज मथुरा जी का नामांकन है और जो चुनावी प्रक्रिया हम लोग उसको अपना रहे हैं, लेकिन हमारी जीत 100% फाइनल है। हम लोग चुनाव जीतेंगे और लंबे अंतराल से चुनाव जीतेगा। हम गिरिडीह के लोग, जनता आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है, चूंकि जो वर्तमान सांसद हैं निश्चित तौर पर निष्क्रिय रहे और निष्क्रियता के साथ साथ पूरे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किए हैं और ससमय उन्होंने बयान दिया कि साहब मैं गिरिडीह छोड़ सकता हूँ, रामगढ़ नहीं छोड़ सकता हूँ। अब गिरिडीह की जनता उनको गिरिडीह छोड़वाने के लिए और रामगढ़ भेजने के लिए लग गई है। सर, वो तो कह रहे हैं कि इस बार टक्कर ही नहीं है, 400 पार्क में 1-13 फूल जाएगा और 1 फल जाएगा गिरिडीह से। जनप्रकाश चौधरी जी बोल रहे हैं। देखिए मोदी जी के नाम पर और भगवान श्री राम के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं जनता से कि भाई इस बार 400 पार मोदी जी के नाम पर और श्री राम के नाम पर, लेकिन गिरिडीह की जनता तय कर चुकी है, निर्णय कर चुकी है, संकल्प ले चुकी है कि हर हाल में एनडीए प्रत्याशी का जमानत नहीं बचने देंगे। सर, पूरा रैली में क्या कुछ होने वाला है, पूरी रैली में तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल वो है, बिल्कुल। और मथुरा प्रसाद महतो की धर्म पत्नी भी है, इसको पहन लीजिए मैडम, पहन लीजिए इसको, ये मथुरा प्रसाद महतो की धर्म पत्नी है। बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के रंग में रंगी हुई मैडम, क्या कहेंगी आप, पहन लीजिए पहले इसको, पहन लीजिए। बिल्कुल, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे, आशीर्वाद दही वगैरह खिला के भेजे होंगे आज साहब को? एकदम अच्छा लग रहा है, भीड़ देख के अच्छा लग रहा है, मन खुश रहा है, भीड़ देख के जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे। साहब को आज सुबह दही खिलाए? हाँ, एकदम खिलाए, दही गुड़ खिलाए। और क्या खिला के भेजी? कुछ नहीं, दही गुड़ पूजा उजा किए, निकल गए भगवान के नाम लेके। इस बार जाएंगे दिल्ली? एकदम जरूर, जनता के दरबार एकदम खुला है। मथुरा प्रसाद महतो की धर्म पत्नी है, स्वभाव में कम दिखती है, इनके देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो पट्टा। हेमंत सोरेन को मिस कर रही है, वो रहते तो और अच्छा लगता। अच्छा लगता।
वो रहते तो और अच्छा लगता, भरल पूरल बढ़िया लगता, थोड़ा अधूरा लग रहा है, अधूरा लग रहा है, क्या कीजिएगा। मथुरा प्रसाद मातो की धर्म पत्नी है, दही खिलाकर आज भेजी है नामांकन के लिए। मैडम क्या कहेंगी, क्या दृश्य लग रहा है मथुरा बाबू को लेकर? मथुरा बाबू का आज नॉमिनेशन है और नॉमिनेशन में हम लोग शामिल हुए हैं और आप देख रहे हैं कितना भीड़ है, कितना लोगों का उत्साहित है और आप समझ सकते हैं कि 4 तारीख को आपका पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। और भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आम आदमी पार्टी यहाँ पर देखेंगे, आम आदमी पार्टी बिल्कुल जो है लौटेंगे आपके पास जब सभा की शुरुआत होगी और कई दिग्गज एक मंच पर नजर आएंगे और आज वापस से वही बयानबाजी और वादों का सिलसिला जो है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए नामांकन के बाद इंडिया अलायंस की एक सभा हो रही है जिसमें तमाम दिग्गज शिरकत करने पहुंचेंगे, वो सभा की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।